हेलो जी, आज हम देखेंगे कि ये वाली वीडियो मैंने कैसे एडिट की। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि मैंने शूट कैसे की, अब हम देखेंगे कि एडिटिंग में क्या प्रोसेस था मेरा, क्योंकि ये जो मेरी इतनी बड़ी 30-40 लोगों की ऑडियंस है, इन सब ने मुझे बोला था कि कैसे एडिट की। तो सबसे पहली चीज़, जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट खोलता हूँ, ये चीज़ मैंने अपने को बहुत मुश्किलों से आदत डलवाई है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिप्स हैं, और ये इसमें से मैं जो भी फोल्डर खोलूँगा उसमें हर चीज़ कलर लेबल भी हुई है। कलर लेबलिंग भी बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट मी। मुझे पहले लगता था यार कलर लेबलिंग से क्या होता है, मुझे कौन से कलर्स याद रहेंगे, बट एक जब आप टाइमलाइन पे रखते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद ना आपको खुद आइडिया होने लगता है कि इस फोल्डर में ये चीज़ है। तो मैं फोल्डर को भी कलर्स के हिसाब से मैच करता हूँ, सिर्फ अंदर की चीज़ नहीं, जो फोल्डर है वो भी उसी कलर का होना चाहिए जो अंदर जिस कलर की चीज़ें हैं। पहले आपको नज़र आ रही क्लिप्स का फोल्डर, इसमें मेरी सारी क्लिप्स हैं, इसमें मैंने रीनेमिंग नहीं की, वो भी आप कर सकते हैं। फिर आता है आपका मिस का फोल्डर, ये स्टेप हमने सीखा था अपने इंस्पिरेशन पीटर मैकिनन से। और मिस में आपकी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ओवरलेज होते हैं, लाइट लीक्स होती हैं, या कोई पिक्चर हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस वीडियो के वो होती है ना टॉपिंग, वो चीज़ होती है मिस में। फिर ये है मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स, ये खुद से बनाता है जब आप मोशन ग्राफिक्स अप्लाई करते हैं, ये मैंने नहीं बनाया। आपका म्यूज़िक का फोल्डर है, नेस्टेड क्लिप्स है, नेस्टेड का भी अलग से क्लिप है, क्योंकि मैं रीनेमिंग नहीं करता तो वो भरती रहती है, फिर तो उसका भी अलग सा फोल्डर बना दें जब बहुत ज़्यादा आप नेस्ट वगैरह कर रहे हैं। फिर सीक्वेंस का भी एक फोल्डर है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ज़्यादा थे, एक इंस्टाग्राम के लिए, एक स्टोरी के लिए है, एक फाइनल है, फिर एक सॉर्टिंग के लिए है, तो इसलिए सीक्वेंस का फोल्डर भी है, वरना नॉर्मली मैं नहीं बनाता। फिर सबसे फेवरेट चीज़ भाई SFX। अब हम आ जाते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन आपको नज़र आ रही होगी बहुत सिंपल सी है, कोई ज़्यादा शशके वाली नहीं है, सिंपल ही इसलिए है। एक और पॉइंट इसका यह है कि मुझे पहले से पता था कि मैं किस तरह से इसको एडिट करूँगा, तो हर चीज़ अपनी जगह पर है। जैसे क्लिप्स हैं यहाँ पे, तो क्लिप्स मुझे अलग से इस रो में नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मेरी मिस की चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर, फॉग वगैरह, इस पूरी लाइन में। यहाँ पे मेरा फाइनल ग्रेड है, यहाँ पे मेरा वाटर मार्क है, ये टेक्स्ट की लेयर्स हैं, टेक्स्ट की लेयर सबसे ऊपर रखते हैं ग्रेड से, ताकि वो ग्रेड में मिक्स ना हो जाए। फिर यहाँ पे अपने टैग्स वगैरह हैं प्रोडक्ट के, फिर यहाँ पे म्यूज़िक है, और यहाँ पे SFX है। तो एक दफ़ा हम म्यूज़िक के बगैर प्ले करते हैं टाइमलाइन, और फिर आपको मज़ा आएगा। तो इन सब के बाद पहली चीज़ पे हम आ जाते हैं कि मूवमेंट कैसे ऐड करें अपने शॉट्स में, जब वो स्टिल शॉट्स हैं। तो क्योंकि मेरे पास कोई स्लाइडर वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ ट्राईपॉड था, तो मैंने मूवमेंट कैसे ऐड की शॉट्स में। सबसे पहले तो मैंने 4K में शूट किया है, ताकि मैं जूम इन जूम आउट ज़्यादा कर सकूँ क्लिप्स पे, और मेरे पास डिटेल्स रेजोल्यूशन वो जो है ख़राब ना हो। सबसे पहली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये वाले शॉट की। अब इस वाले शॉट में ये जो आपको सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये सारी टेक्स्ट की लेयर्स हैं। ये मैंने किया ऐसे था कि एक ही सारी लेयर है, ये पूरी एक लेयर है, ये पूरी एक लेयर है, फिर मैंने इसको कट करके दो दो तीन तीन फ्रेम्स पे मैंने स्विच ऑन ऑफ कर दिया बाकी सबका, तो ये कूल सा इफेक्ट आ गया इसमें। अब ये शॉट स्टिल शॉट है, बट इसमें एक आपको मूवमेंट फील हो रही है, वो कैसे हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्केलिंग, सिंपल स्केलिंग से मूवमेंट ऐड हो रही है उसमें, कुछ भी नहीं किया हुआ। 50% से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको इन कर दिया 86% तक। और अगर आपको और इजीली करना है, तो आप ये की फ्रेम्स को राइट क्लिक करके इसको ईज इन भी कर सकते हैं दोनों को, तो ये और स्लोली होगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये मैंने कोई क्लोजअप नहीं लिया हुआ, ये वही शॉट है, मैंने इसको जूम इन करके इस पर मैंने की फ्रेम से, यहाँ पर आप की फ्रेम देख रहे हैं पोजिशन का, मैंने ड्रॉप के साथ साथ उस क्लिप को चलाया। फिर ये शॉट जो है, ये आपने पिछली BTS वीडियो में देखा होगा हमने कैसे लिया था,
बट ये दो शॉट्स नहीं है, ये सिंगल सिंगल शॉट्स हैं दोनों। इसको मैंने, ये ऐसे ऐसे शॉट्स हैं दोनों, इन दोनों को मैंने मर्ज किया हुआ है और लाइटिंग वगैरह सब मैच है, कलर्स भी मैच है, इसलिए वो ज़्यादा सीमलेस लग रहा है। इन दोनों को मैंने मर्ज करके मैंने मास्किंग की हुई है। इस पर एक मास्क है, मास्क हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। और ये दोनों ही रोटेटिंग शॉट थे तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया। और ये वाले जो शॉट्स हैं, मैं पहले से सोचे हुए थे कि मुझे इस टाइप का कुछ करना है, तो इसलिए मैंने शूट भी उसी हिसाब से किया इन दोनों को। एक और शॉट पे आते हैं, ये वाला जो शॉट है ये बिल्कुल स्टिल शॉट है, बट इसमें भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे आप की फ्रेम्स देख लें, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ताकि ऊपर से कैमरा यूँ करके नीचे आए, और जबकि स्टिल शॉट है, बिल्कुल स्टिल शॉट है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, पोजीशन और स्केल दोनों को चेंज करते हुए यहाँ तक की फ्रेम आया, और फिर यहाँ से ये स्लोली और आउट हुआ। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक और शॉट की। इस शॉट में भी आप देख रहे हैं कि हल्का सा स्केल अप हो रहा है बिल्कुल जूम इन होके। और लास्ट जो हमारा शॉट है, जो कि मास्टर शॉट है, उसमें आप देखें कि बिल्कुल स्लाइड सा मूव आउट हो रहा है, एक स्लाइडर की मूवमेंट दे रहा है। वो आपकी फ्रेम्स को बेजियर, बीजियर या ईज इन पे करेंगे तो ये एक इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल वो वाला नहीं आ रहा, एक स्लाइडर वाला इफेक्ट आ रहा है बिल्कुल सटल सा। तो ये हो गए हमारी टाइमलाइन। अब हम बात करते हैं कि पेसिंग की। पेसिंग के लिए मैंने यूज़ किए हैं स्पीड रैम्पिंग, बहुत हर कोई यूज़ करता है बिल्कुल, और वो भी मैंने बिल्कुल सटल तरीके से यूज़ किए हैं। जैसे ये शॉट है, यहाँ पे आपको एक स्पीड रैम्प दिख रहा है, ये यहाँ से तेज़ी से आया और यहाँ पे आगे स्लो हो गया म्यूज़िक के ऊपर। म्यूज़िक के साथ आपको स्पीड रैम्प करना, म्यूज़िक के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आप एक स्पीड रैम्प देखें, यहाँ से स्लो आ रहा है, फिर एंड में बिल्कुल सटल सा एक फास्ट होता है यहाँ पे। फिर हम और जगहों पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये तेज़ी से आया, फिर जब पाकोला रिवील हुआ तो ये स्लो हो गया। तो स्पीड रैम्पिंग से आप म्यूज़िक के साथ मैच कर सकते हैं वाली अपनी बीट्स, कि आपको कहाँ पे वो चीज़ लगानी है। और म्यूज़िक से याद आया कि अब हम आ जाते हैं म्यूज़िक पे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि म्यूज़िक जो है वो आपकी वीडियो का मूड होता है पूरा। तो म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, म्यूज़िक ढूंढना, अच्छा म्यूज़िक ढूंढना मुश्किल काम है। तो म्यूज़िक आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है इसमें, जब म्यूज़िक बिल्डअप हुआ, बीट ड्रॉप हुई, तो आपको उस मतलब कुछ मिलना चाहिए ऐसा जो वर्थ इट हो उस बीट ड्रॉप के। तो यहाँ पे ये शॉट्स आते हैं, फिर ऐसे ऐसा पेसिंग बढ़ती रहती है। अच्छा, ये वाला जो शॉट है टिन ओपनिंग वाला, ये मैंने फिश वायर से किया था, जैसे आप लोगों ने BTS वाली वीडियो में देखा हुआ पिछली वाली। और इसमें आप देख रहे हैं नेस्टेड सीक्वेंस है, तो ये हमारी एक और क्लिप है, अलग से बैकग्राउंड क्लिप है ये, जो कि यहाँ ये फिल कर रही है यहाँ पे, ये देखिए ऑन ऑफ करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये फिर हमारा नेस्टेड है। अब नेस्टेड में मैंने यहाँ पे दो क्लिप्स रखी हुई अंदर, ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। अब यहाँ पे आप उसकी मास्किंग देख सकते हैं फिश वायर की, ये पूरा फिश वायर है। और ये मैंने की फ्रेम्स के साथ, इतने सारे की फ्रेम के साथ इसको मास्किंग की हुई है ये पूरी। और ये हाथ को हटाने के लिए मैंने ये वाला शॉट यहाँ पे लगाया, तो ये शॉट ऐसे एग्जीक्यूट हुआ था। अब म्यूज़िक साइड में हो गया, म्यूज़िक है आपका मूड ऑफ योर विजुअल्स, मूड ऑफ योर वीडियो। फिर आ जाते हैं मेरी फेवरेट चीज़ पे, जो है साउंड इफेक्ट्स। ये ख्वारी वाला काम है बहुत, मगर जो साउंड इफेक्ट्स है ना, वो फीलिंग ऑफ योर विजुअल्स, ये हमने बनाए हुए फुल अपने हिसाब से वर्ड्स। तो म्यूज़िक आपका मूड ऑफ योर विजुअल्स, SFX आपका फीलिंग, आपको वो फील होने चाहिए जो आपके शॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच टाइप का इफेक्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दो साउंड इफेक्ट्स की वो लगाई हुई है। ये पहले एक थंप की वो आती है, और सेकंड है जो कि ग्लिच वाली आ रही है। तो जब हम दोनों को मैच करते हैं तो एक ऐसा साउंड इफेक्ट बनता है।
फिर हम आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे ये सुने आप, वाटर ड्रिप हो रहा है, और वाटर ड्रिपिंग की भी साउंड नहीं है, कोई रैंडम साउंड है वाटर की ही, बट बिल्कुल सटल। जब आप म्यूज़िक के साथ ही सुनते हैं ना, तो आपको फील होता है कि ये वाटर ड्रिप हो रहा है, जो आप देख रहे हैं वो आपको सुनाई भी हल्का सा देता है। शायद ये टैप वाटर की आवाज़ है स्लो स्लो सी, इस पर मैंने थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं इसको इस तरह से करने के लिए। और फिर ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टिन खुलने वाला है, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे एक झटका आ रहा है, फिर वो खुल रहा है, तो वो उसके हिसाब से बिल्कुल मैच हुआ। अब अगर ये आप म्यूज़िक के साथ सुनते हैं तो उसके साथ ये कितना अच्छा सा फील होता है। जो लेवल्स हैं आपके साउंड इफेक्ट्स के, वो म्यूज़िक के ऊपर नहीं जाने चाहिए, म्यूज़िक के साथ रहने चाहिए, मतलब अंडरनीथ रहने चाहिए म्यूज़िक के, मतलब आपको फील हो, बिल्कुल आपको सुनाई नहीं दे कि साउंड इफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे ये आपका एक शॉट है, बैकग्राउंड पे ये चल रहा है और सामने टेन है। अब ये अंडर वाटर टाइप का थोड़ा सा फील है इसमें, तो मैंने इसमें लो पास मैंने इसमें फ़िल्टर लगाया हुआ है, ताकि अंडर वाटर साउंड वाली एक फील है, और मैंने उसके लेवल्स वगैरह सेट किए हुए हैं, तो आपको फील होता है। फिर ये सिंपल ग्लास में पानी डालने का साउंड इफेक्ट है, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है, तो वही सेम साउंड इफेक्ट है जो हमने वाटर ड्रिपिंग में यूज़ किया था। फिर जो ये है, ये किसी की स्क्वीज़ की आवाज़ है, बट जब लेमन्स गिरते हैं तो यहाँ पे आपको एक साउंड आ रही है, क्योंकि नेचुरल लग रही है उसके साथ, फील हो रही है, मैच हो रही है उसके साथ। ये वाटर के साउंड है, इसमें भी थोड़े से इफेक्ट्स डाले हुए हैं। और यहाँ पे जो लास्ट शॉट है, यहाँ पे ये यहाँ से वाटर ड्रिप हो रहा है, तो यहाँ पे भी वाटर ड्रिप टाइप का सूट कर सकता है, तो यहाँ पे भी वाटर ड्रिप टाइप का शॉट है। और एंड पहले हम आते हैं मिक्स वाली चीज़ों पे, जो कि मैंने ऐड किए ओवरलेज वगैरह। तो यहाँ पे इसको एक कूल लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने फॉग ऐड किए बिल्कुल ज़रा सी सटल तरीके से, ताकि वो फील हो, नज़र नहीं है बट फील हो फॉग, जैसे यहाँ पे इस शॉट में आपको नज़र आएगी सटल सी बिल्कुल, तो वो एक फ्रीज़र वाली डी फ्रीज़र वाली वाइब दे रही है। और हम थोड़े से एक दो और जगह पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखें, ये ऊपर से मैंने ऐड की हुई है, मैंने ऊपर भी ऐड की हुई है और नीचे भी ऐड की हुई है, तभी यहाँ पे दो हैं ये। इस शॉट में यहाँ पे आपको नज़र आएगी थोड़ी सी फॉग। और अब आ जाते हैं बहुत सारे लोगों की फेवरेट चीज़ इंक्लूडिंग मी, कलर ग्रेडिंग। और ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक बना के रखा हुआ है एग्जांपल, तो ये है इसके न्यूट्रल कलर। इसके बाद हमने इसमें कलर करेक्शन ऐड किए पहले, फिर हमने ऐड किया अपना कलर ग्रेड। तो ये है रॉ शॉट, फिर आपका कलर करेक्शन आ गई, और फिर आ गया आपका कलर ग्रेड, जो कि मैंने वो भी बहुत सिंपल सा ही किया है। मैंने येलोस को लिफ्ट किया है, और बाकी सारी चीज़ों को मैंने डी सैचुरेटेड वाला लुक दे दिया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कलर्स हैं भी नहीं। पाकोला का टिन भी वाइटिश है, और वो ब्लैक है, और लेमन्स ही हैं जिसमें ज़्यादा कलर्स हैं, तो वही कलर ज़्यादा पॉप होना चाहिए, बाकी कलर्स मैंने सारे माइनस कर दिए। तो ग्रेड भी बहुत सिंपल सा है, मैंने कंट्रास्ट ऐड किया इसमें, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐड की हैं। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स, स्पीड रैंपिंग, पेसिंग, तो जाके एक आपको फील वाली वीडियो बनती है। तो ये था छोटा सा ब्रेकडाउन, डायरेक्टर्स कमेंट्री। हो भाई डायरेक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीक, आई विश एंड आई थिंक, गुड बाय।